दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के खिलाफ मिली तीसरे मुकाबले में हार के बाद भड़क उठे कोच डेरन सैमी, भारतीय टीम को बेईमान बताते हुए उगल दिया जहर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे T20 में भारत को जीत मिल चुकी है। ऐसे में हार को पचा नहीं पाए वेस्टइंडीज के कोच डेरन सैमी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है और जहर उगलते हुए भारत को बेईमान टीम बताया। भारत की बेइज्जती करते हुए कुछ ऐसी बातें सूर्य और कुलदीप के बारे में कह डाली जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिरकार डेरन सैमी ने हार के बाद भारत को बेईमान बताते हुए क्या कहा, यह तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव में कौन है भारतीय टीम की जीत के हीरो, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों के T20 सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर वेस्टइंडीज को 159 रन 5 विकेट के नुकसान पर रोक दिया, जहां पर कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। तो वहीं 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने सर्वाधिक 83 रन की पारी खेली, जिसके चलते भारतीय टीम इस मुकाबले में आसानी से जीत गई। और ऐसे में भारतीय टीम को मिली इस मुकाबले में जीत के बाद कोच डेरन सैमी भड़क गए। उन्होंने बदतमीजी की सारी हदें पार कर भारत को बेईमान टीम बताकर बयान जारी किया, जिसमें डेरन सैमी ने बयान देते हुए कहा कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में भारत को मिली जीत है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं, क्योंकि इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत नहीं मिलनी चाहिए। इस मुकाबले में हमारी टीम के खिलाड़ियों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अंपायर के पक्षपात के जरिए भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत मिली है। भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाज और बल्लेबाजों का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला और उसी तरीके से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का भी बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। कुछ खिलाड़ियों के चलते भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय टीम ने इस मुकाबले में आसानी से जीत हासिल कर ली। इस मुकाबले में भारतीय टीम को सिर्फ जीत उनके प्रदर्शन के दम पर नहीं मिली, बल्कि अंपायर के पारित के लिए पक्षपात होने के चलते भी मिली है, क्योंकि अंपायर ने कुछ फैसले ऐसे लिए जिसके चलते भारत मजबूत हो गया। अगर अंपायर नहीं होते तो इस मुकाबले में भारत को हार मिलती। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में अंपायर ने समय समय पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को नॉट आउट किया। हालांकि देखने में सब कुछ आउट नहीं लग रहा था, परंतु थोड़ा अंपायर ने जानबूझकर आउट देते हुए हमारे 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इतना ही नहीं, हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों को अंपायर ने पक्षपात का शिकार बनाकर अंपायर के द्वारा किए गए कुछ निर्णय ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में इतना ज्यादा मजबूत कर दिया, जिसके चलते भारतीय टीम इस मुकाबले में आसानी से जीत गई। हालांकि इस मुकाबले के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव और सूर्य कुमार यादव को बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने इतना भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, जिसके चलते भारतीय टीम को जीत मिलनी चाहिए। अगर इस मुकाबले में भारत को जीत मिली है तो उसके असली जिम्मेदार अंपायर हैं, क्योंकि अंपायर के चलते भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत मिली है। ऐसे में अब भारतीय टीम अगले मुकाबले में हार के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में भारतीय टीम के जीत के हीरो असली कौन रहे, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।